हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी योर क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर फिफ्टीन टू ऑटम द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर सोल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स और फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डज द ऑटम प्लान टू डू विद द कॉटेज ट्रीज जो ऑटम है पजझड़ का मौसम है वो कॉटेज ट्रीज के साथ क्या प्लान कर रहा है क्या करने का प्लान कर रहा है द ऑटम प्लान टू बेंड द कॉटेज ट्रीज विद एप्पस पतझड़ का मौसम है वो प्लान कर रहा है कि वो जितने कॉटेज ट्रीज़ है उनको एप्पलों से झुका देगा या एप्पल भर देगा उन पर एंड फिल ऑल द फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर और सारे फलों को अंदर तक पका देगा इट वांस टू स्वेल द ग्राउंड सॉरी गाउड है वो एंड प्लम द हेजल शेयर्स विद द स्वीट करने वो सारे जो गऊड uh, है जो uh, सब्जियाँ होती हैं उनको पकाना चाहता है सारे हेजल शेल वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको अंदर तक गिरी से भर देना चाहता है हियर द पोइट प्रेजेंट अ लाइवली एंड सेंसियस पिक्चर्स ऑफ द सीजन वो एक बहुत ही जीवंत उदाहरण देता है इस मौसम का द ऑटम एंड द सन वर्क टुगेदर फॉर द राइपनिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स तो सूरज और पतझड़ मिलकर सारे फलों को पकाने का काम करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डज ऑटम इंटेंड टू सेट बडिंग द लेट समर फ्लावर्स यहाँ पे जो ऑटम है वो सेट बर्डिंग द लेट समर फ्लावर्स जो uh, समर के फ्लावर्स है उनको फुलाने की तैयारी उनको खिलाने की तैयारी कैसे कर रही है द ऑटम इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ सीज़न ऑफ़ फ्रूटफुलनेस जो ऑटम है उसको क्या दिखाया गया है एक सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस दिखाया गया है देर इज़ अ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस ऑल अराउंड चारों तरफ मिस्ट यानी कि धुंध छाई हुई है और मीठे फल लदे हुए हैं पेड़ों पर फ्रूट्स कम टू देअर मेच्योरिटी सारे फल पकने की तैयारी में आ गए हैं द सीज़न इंटेंड टू सेट बडिंग द लेट समर फ्लावर्स और अब इस सीज़न में जो समर के लिए फ़्लावर्स है वो भी खिलना चालू हो जाएंगे उनकी कलियाँ आ जाएंगी सो देट द बीज कैन सक द परफेक्ट स्वीटनेस ताकि बीज जो हैं उनके जो नेक्टर है उसको पी सकें और अपने लिए हनी बना सकें हाउ आर द हनी कॉम्स आफ्टर द समर एंड हाउ डू द बीज फील जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो समर में कैसे होते हैं उनको बीज कैसे फ़ील करती हैं द बीज हीयर रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूशन ऑफ़ समर यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो समर को रिप्रेजेंट करती है कि समर कैसे कंटिन्यू होगा फॉर द बीज दे आर फॉर द वार्म डेज ऑफ समर है नॉट एंडेड मधुमक्खियों के लिए जो गर्म दिन है समर के वो एंड नहीं हुए हैं द स्टिकी सेल्स ऑफ द हनी कॉम्स आर फील्ड टू ओवर फ्लोइंग विथ हनी जो चिपचिपे जो सेल्स से हैं मधुमक्खी के छत्ते के उनमें शहद भरा हुआ है And yet, autumn provides more flowers in case the bees may like to draw more sweetness from them. और autumn जो है उनको और फूल provide करा रही है ताकि जो मधुमक्खियों की छत्ता है और स्वीटनेस है वो उसमें से निकाल सके फूलों में से और मधुमक्खी के और छत्ते बना सके ताकि शहद मिले How can autumn be seen as harvester? और सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चनों में से है हाउ कैन ऑटम भी सीन एज अ हार्वेस्टर एक हार्वेस्टर uh, एक किसान के रूप में ऑटम को कैसे दिखाया गया है द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड ऑटम इन अ वेरियस फॉर्म्स जो पोइट है उसने ऑटम को कई तरह से परसोनीफाई किया है या कई तरह से उसको इंसान के रूप में दिखाया है ऑल द फॉर्म्स आर परफेक्ट एंड रियलिस्टिक सारे फॉर्म उसके परफेक्ट है रियल लगते हैं ऑटम इज़ सीन एज अ हार्वेस्टर ऑटम को किसान भी बताया है ही सीटिंग केयरलेसली इन द फील्ड ड्यूरिंग द विनोइंग ऑपरेशन जब खेती का जो काम चलता रहता है उस समय वो आराम से खेत पे फील्ड पर बैठा हुआ है हीयर बैठी हुई है हीयर द पोइट यूजेज ऑल द इमेज टू मेक द पिक्चर्स क्लियर और वह एक इमेज बनाता है पोइट ताकि सारी पिक्चर क्लियर हो जाए ऑटम को शोन किया गया है सिटिंग केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर वो ग्रेनरी फ्लोर पर बैठी हुई है उसके जो बाल हैं हर हेयर होना चाहिए हर हेयर इज़ सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोइंग विंड उसके जो बाल है वो हवाओं द्वारा उठाए जा रहे हैं उड़ाए जा रहे हैं शी इज समटाइम्स इन साउंड स्लीप वो कई बार ऐसी नींद में होती है है ना जैसे तो उसने कुछ आ, आ, ड्रंक कर रखी हो तो वो रुख उसको नींद आ रही हो हिज ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वो जो फूल हैं अफीम के उनको सूंघ कर वो नशे में है हिज लुक पेज द नेक्स्ट स्वेथ एज ऑल्स ट्ड फ्लावर्स है ना तो उसका जो लुक है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसने अभी तक जो है कार्य नहीं किया है और फ्लावर्स की तरह वो दिखाई दे रही है हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब द क्रॉप्स कटर जो कवि है वो क्रॉप कटर के रूप में कैसे डिस्क्राइब करता है उसको वाइज प्रेजेंटिंग द वेरियस ऑक्यूपेशन ऑफ ऑटम ऑटम के कई प्रकार के ऑक्यूपेशन या कामकाज बताए गए हैं उनमें पोइट उसे एक रीपर या क्रॉप कटर के रूप में भी दिखाता है जो फसल काटते हैं उनके रूप में जो वो है वो सो गया है कहाँ पर फसल के ऊपर ही सो गया है ही इज़ वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ है थ्रू दिस द पोइट मेक्स द पोएम ह्यूमन इस तरह से जो पोइट है वो कविता को जिसके ऊपर लिखी गई है उसे ह्यूमन के रूप में बताता है और यूनिवर्सल बताता है बिकॉज द इंटरनल लेबर ऑफ़ मैन इज ब्रॉड बिफोर द आइज ऑफ द रीडर ताकि इंसान का श्रम लोगों के सामने आए कि इंसान कितनी मेहनत है किसान कितनी मेहनत करता है वाट इज़ द साइडर मेकर डूइंग अब साइडर मेकर के रूप में भी दिखाया गया है उसे तो वो क्या कर रहा है द पोइट प्रजेंट्स द ऑटम इन अ रोल ऑफ साइडर मेकर अब ऑटम को साइडर मेकर के रोल में दिखाया गया है हु इज़ वॉचिंग इंटेंटली द एप्पल जूस वजिंग आर्स बाय आर्स टिल इट्स एंड वो फलों का जूस सेवफल के जूस को निकलता हुआ देख रहा है घंटों तक देर इज अ पेशेंट लुक इन हिज आई वो सब्र में है उसको कोई ज्यादा जल्दी नहीं है द पोइट इज़ वेरी रियलिस्टिक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द ऑटम पोइट काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से ऑटम को रिप्रेजेंट करता है अब आता है डिस्क्राइब द सीन ऑफ द अर्थ एट सनसेट सूरज डूबते समय किस प्रकार की सीनरी होती है किट्स हैज़ प्रेजेंटेड हिज कीन ऑब्जर्वेशन विथ ऑल मिनिट्स डिटेल्स किट ने जो जॉन किट्स हैं उन्होंने हर तरह का रिप्रेजेंटेशन मिनिट डिटेल के साथ किया है द होल पोएम डेमोस्ट्रेट हिज इंटरेस्ट इन नेचर वोएम दिखाती है कि उनका नेचर में कितना इंटरेस्ट था वाइल डिस्क्राइबिंग द सीन एट सनसेट जब वो सनसेट के सीन को दिखा रहे हैं ही सेज डेट इन द इवनिंग वेन द क्रिमजन लाइट ऑफ द सेटिंग सन फॉल्स अपॉन द स्टेबल फील्ड वो बताते हैं कि जब जो खेत है उनके ऊपर सूरज का प्रकाश शाम के समय टॉयलाइट के समय पड़ता है अ कोरस ऑफ नेचुरल साउंड इज हड एक नेचुरली आपको साउंड सुनाई देता है पिक्चर इज़ वेरी अपीलिंग और ये बहुत ही आकर्षक पिक्चर प्रस्तुत करता है वेअर ड स्माल जिनेट सिंग फ्रॉम द हाउ डज देयर म्यूजिक रीच द पोइट जो कीड़े होते हैं छोटे मोटे वो कैसे गाते हैं और कभी तक उनका गीत कैसे पहुंचता है द पोइट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी इंटेंस एंड वेरी साउंड इफेक्ट इन द पोयम जो कवि है उसने क्या किया है कि बहुत ही प्यारा एक साउंड इफेक्ट क्रिएट किया है ऑटम हैज़ इट्स ओन साउंड्स एंड सॉन्ग्स पजझड़ का भी अपना एक संगीत होता है गाने होते हैं इन द इवनिंग इन अ वेलफुल चोर द स्मॉल जिनेट्स मोन अमंग द रिवर शेलो नदी के किनारे छोटे छोटे जो कीड़े इकट्ठे हो गए उनका एक साउंड सा सुनाई दे रहा है द साउंड अपीयर्स टू बी बोर्न अ लॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विफ्ट और डाइट और जैसे जैसे सूरज का प्रकाश चढ़ता है तो गाना भी तेज होता है और वो डूबता है तो गाना भी धीमा पड़ने लगता है इट सिम्बलाइज द क्लोज ऑफ द ईयर और ये एक शाम को ढलते हुए साल को दिखाता है डू यू फाइंड रिमेंबर ऑफ सैडनेस एट सम पॉइंट्स इन द पोएम क्या हमें कोई पोएम में सैडनेस से दिखाई देती है हाउ डज द पोइट ओवरकम द सैड मोमेंट एंड बिकम हैप्पी पोइट कैसे उन सैड मोमेंट्स को ओवरकम करता है और खुश दिखाई देता है किड्स प्रेजेंट अ विविड पिक्चर इन दिस पोएम एक बहुत ही विभिन्न प्रकार की एक बहुत ही ना अच्छी पो जो पिक्चर है ऑटम के मौसम की वो कोइट्स बताते हैं इसमें बिगनिंग विथ अ वेरी सेंसियस पिक्चर ऑफ द सीजन पिक्चर जो सीज़न की पिक्चर है उसे दिखाया गया है द पोइट शोज द ऑटम एज एन एक्टिव एजेंट उसे एक एक्टिव एजेंट के रूप में दिखाया गया है जब पोइट एंड हो जब पोयम एंड होने लगती है तो वो दुखी हो जाता है द ऑटम इज शोन एज इट्स फेक एंड ऑटम को अपने अंत की ओर बताया गया है देर आर इमेजेस ऑफ डेथ और विड्रॉल एंड ऑफ सॉन्ग इसमें बताया गया है कि कैसे सूरज जो है वो शाम के समय ढलता है तो मरते हुए लगता है और सॉन्ग जो है उसके साथ ही ख़त्म होना शुरू होता है एन द सॉन्ग्स ऑफ फ्यूनरल डर्ज फॉर द डाइंग गर और जैसे जैसे एक साल ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे जैसे लगता है कि जो फ्यूनरल पे गाए जाने वाले गीत हैं वैसा संगीत आना शुरू हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ द पोइट एड्रेस द ऑटम ऑटम को पोइट कैसे एड्रेस करता है द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ लाइवली पिक्चर ऑफ़ द ऑटम वो क्या, क्या क्या कहता है उसको सीजन ऑफ मिस्ट मेलो फ्रूटफुलनेस कहता है उसे फिर रीपर बताता है बिनोवर बताता है ग्लिनर बताता है और साइडर मेकर बताता है तो इस तरह से वो कई रूप्सों से रिप्रेजेंट करता है हमारा अगला क्वेश्चन है जो 72, 75 सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड वर्ड्स के लिए होगा प्रूव दैट द ऑटम्स द सॉन्ग ऑफ राइटनेस एंड एवं एवं मतलब होता है प्रचुरता बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाना तो ऑट टू ऑटम इज़ ए टिपिकल पोएम ऑफ जॉन किड्स ऑट टू ऑटम पतझड़ के लिए लिखा गया गीत एक टिपिकल पोएम है जॉन किड्स की दिस पोएम डिस्क्राइब द ऑटम सीजन ये पोएम ऑटम के मौसम को बताती है the poet personify the season and present its all its uh, senselessness ye iska personification karti hai ek manvikaran karti hai autumn is described as a season of mellow fruitfulness autumn ko mellow fruitfulness ka season bataya gaya hai जब सन जो है वो पक रहा है या mature हो रहा है तो उसे maturing शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो conspire करता है षडयंत्र करता है वाइन्स पर फलों को लादने के लिए है ना किसके साथ मिलके सूरज के साथ मिलके ताकि वो है ना सब्जियों को फुला सके हेजल शेल्स में उनमें गिरी भर सके द सीज़न फिल्स ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर ये सारे फलों को अंदर तक कोर तक भर देता है दिस इमेजेस ऑफ फुल इनवर्ड राइपनेस एंड स्ट्रेंथ सजेस्ट दैट द मैच्योरिंग एंड फुलफिलमेंट हैज़ रीच इट्स क्लाइमैक्स तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि मैच्योरिंग और फुलफिलमेंट अपने अंत की ओर आ गई है इवन द कॉम्स ऑफ द बीज आर ओवरब्रिड यहाँ तक कि मधुमक्खियों के छत्तों में भी वो शहद जो है पूरी तरह से भर चुका है और बडिंग मोर एंड स्टीन मॉल लेटल फ्लावर्स वो अभी भी मधुमक्खियाँ जो है क्या कर रही हैं वो फूलों से शहद पराग ले रही हैं और शहद बना रही हैं देर फॉर दिस पोएम कैन बी सेड अ सॉन्ग ऑफ राइटनेस एंड एम्बीड इसलिए इसे गीत कहा जा सकता है फलों के पकने का और प्रचुरता का अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टू फ्रेंड्स ऑटम एंड सन प्लानिंग टू डू विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो दो दोस्त बताए गए हैं ऑटम और गर्म सूरज वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ऑट टू ऑटम प्रेजेंट्स प्रेजेंट देंसस पिक्चर ऑफ द ऑटम ऑट टू ऑटम हम कई बार बता चुके हैं ये वाली लाइन ऑटम इज अ सीजन ऑफ रेप फ्रूटफुलनेस ऑटम का जो मौसम है वो फलों के पकने का मौसम है इट इज़ अ टाइम ऑफ द राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स इसमें अंगूर गउड्स सेव फल हैज़ल नट्स ये सब पकते हैं इट इज़ ऑल्सो द टाइम वेन द बीस सक द स्वीटनेस फ्राम द लेटर फ्लावर्स एंड मेक हनी और जो फूलों से पराग चुरा के हनी बनाती हैं मधुमक्खियाँ भी इसी मौसम में तो सूरज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फलों के पकने में उन्हें मेचोर करने में यही मेन कॉन्सपायरी बताई गई है है ना और राइपनिंग और मेचोरिंग द फ्रूट्स की देर आर द इनडायरेक्ट इमेजेस ऑफ एजिंग यहाँ पे बुढ़ापे की जो इनडायरेक्ट इमेजेस है उन्हें बताया गया है ऑटम और सन जो है वो दोस्त बताए गए हैं जो कि मिलकर फलों को पकाने की साजिश कर रहे हैं और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट आर द फोर इमेजेस ऑफ पर्सोनिफिकेशन थ्रू विच ऑटम हैज़ बिन पिक्चराइज उन चार इमेज को बताना है जो पर्सोनिफिकेशन कर रही है ऑटम को द पोएम ऑट टू ऑटम प्रेजेंट्स ऑटम्स विविड इमेज ऑट टू ऑटम जो है वो ऑटम की विभिन्न प्रकार की इमेजेस को दिखाती है द पोइट परसोनीफाइज इन फेयर इमेजेस। वो उससे कई प्रकार से पर्सोनिफाई करता है विनोवर के रूप में रीपर के रूप में ग्लीनर के रूप में साइडर प्रेसर के रूप में ऑटम को एक महिला भी दिखाया गया है जो विनोइंग रिपिंग ग्लिनिंग और साइड प्रेसर का, का काम कर रही है है ना और वो उससे देख सकता है कि किस तरह से है ना ऑटम जो है वो फील्ड में बैठी हुई है और सारा काम चल रहा है उसके बाल उड़ रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट इमेज ऑफ ऑटम सेकेंड वन में सी ऑटम इन द फॉर्म ऑफ रीपर तो पहली इमेज उसकी एक महिला के रूप में है दूसरी उसकी जो है एक रीपर यानी कि फसल काटने वाले के रूप में है जो कि फसल को या मक्के को काटने के में लगा हुआ है बट इज सो ओवरकम बाय द स्लीप इन ड्यूलिंग स्मेल ऑफ पॉपिस लेकिन उसे जो सुगंध आ रही है फलों में से फूलों में से उसके कारण उसे नींद भी आ रही है और उसकी जो अगली फसल है वो उसे काट नहीं पा रहा है क्योंकि वो थका हुआ है थर्ड ऑटम में भी सीन इन द इमेज ऑफ ग्लीनर थर्ड में उसे ग्लीनर की इमेज में दिखाया गया है जो जो फसल का सामान जो बच जाता है उसे बटोर रहा है वो इस वॉकिंग अलॉन्ग स्टेडीली विद द वेट ऑल्सो ऑफ ग्रेन्स अपॉन हर हेड जो कि अपने सर पर है ना रख कर चल रहा है फाइनली ऑटम में ऑल्सो भी सीन इन द इमेज ऑफ वन हुज़ क्रशिंग द राइप एप्पल्स इन द वार्डन प्रेस टू ऑप्टेन द जूस फ्राम विच साइडर इज टू बी मेड और आखिरी इमेज में उसे एक फलों के जूस निकालने वाले के रूप में बताया गया है दिस वुमन सीड्स बाय द साइडर प्रेस और वह साइडर प्रेस के पास में बैठ जाता है और बैठ जाती है और एप्पल में से जूस निकलते हुए देखती रहती है ड्रॉप बाय ड्रॉप तो इस तरह से कई तरह से उसका पिक्चराइजेशन परसोनिफिकेशन किया गया है So that's all the from this video. Thank you for watching.